Okay, so let's begin with today's session, which will be on BPCG 174, block first, unit first. And it will cover all the questions from the first unit. The first unit is named as media and social media. So is unit mein, book mein aapne dekha hoga, har ek unit mein check your progress hote hain peech peech mein. So wo kafi helpful hote hain from the perspective of exam preparation. बिकॉज आपको एक रफ आइडिया, आई विल नॉट से कि परफेक्ट आइडिया मिल जाता है पूरे यूनिट का, बट एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इस यूनिट में क्या चीज़ें कवर की गई. एंड लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए पूरा मटेरियल पढ़ना ज़रूरी है, बट ये जो नोट्स हैं, ये जो आंसर्स हैं, ये एक नोट्स के फॉर्मेट में है जिसके थ्रू आप पॉइंट्स को मेमोराइज कर सकते हो. एग्जाम के टाइम पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से पॉइंट कहाँ से लिखो. सो लेट्स बिगिन विद चेक योर प्रोग्रेस फर्स्ट. Question number one is differentiate between media and social media. The main difference between media and social media is that in media, the general public is the audience, whereas in social media, the public can be both the audience and content creators. So, this question ke according, hume media and social media ke beech ke differences batane hain. Media ke baare mein bola jaye, to uska general public audience, and social media ke baare mein baat kiya jaye, तो उसमें जो पब्लिक है वो ऑडियंस भी हो सकती है और कंटेंट क्रिएटर्स भी हो सकती है. दूसरे तरीके से समझा जाए तो ये जो मीडिया होती है उसमें ऑडियंस कोई भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं, अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको सिर्फ रिसीव करना होगा. जो मीडिया उनको देगी उसे रिसीव करना होगा. बट ऑन दी अदर हैंड, सोशल मीडिया पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और ऑडियंस की तरह एक्ट कर सकते हो, दूसरों के कंटेंट्स को पढ़ सकते हो, उस पर कॉमेंट कर सकते हो. मीडिया के कुछ पॉइंट्स हैं. मीडिया टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड टू रीच अ मास ऑडियंस. मीडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता है. इन्वॉल्व्स प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया में आते हैं न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसमें आते हैं टेलीविजन एंड रेडियो. इट ऑफर्स वन वे कम्युनिकेशन. ये जो मीडिया है इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन, बिकॉज हम जो ऑडियंस हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें बस सुनना है. हम आपस में बात कर सकते हैं, भले ही अपने व्यू शेयर कर सकते हैं, बट हम अपनी बात मीडिया तक नहीं पहुंचा सकते. एंड मीडिया हैज़ अ हायर रीच. सो ऑफ कोर्स अगर ये हाई या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाती है कोई भी न्यूज़, कोई भी बात, तो ऑफ कोर्स इसका रीच ज़्यादा है. सोशल मीडिया के कुछ पॉइंट्स हैं. कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग. सोशल मीडिया एक ऐसी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जहाँ जो यूजर्स है सोशल मीडिया के, वो अपना कुछ क्रिएट और शेयर कर सकते हैं, एंड दैट टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग. एंड सोशल मीडिया इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, विकिपीडिया, पिंटरेस्ट एक्सेट्रा. ये कुछ प्लेटफॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं विच यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स. द पब्लिक कैन बी बोथ कंटेंट क्रिएटर्स एंड द ऑडियंस. जो पब्लिक है वो कंटेंट क्रिएटर्स और ऑडियंस हो सकती है, दोनों ही हो सकती है. इट ऑफर्स टू वे कम्युनिकेशन. आपने कुछ पब्लिश किया, मैंने पढ़ा, आई कैन गिव माई रिव्यू. एंड इट हैज़ अ लोअर रीच. अगर कंपेयर की जाए तो जो सोशल मीडिया पर हो रहा होता है वो रिलेटिवली कम लोगों को पता होता है, बट ऑन दी अदर हैंड जो मीडिया है, अगर आप न्यूज़ पे कोई चीज़ देख रहे हो तो वो देश भर के लोग देख रहे होंगे, जिनके टीवी चैनल, जिनके टीवी में वो चैनल आ रही होगी, वो न्यूज़ आ रही होगी, वो सब तक वो बात पहुंच जाएगी. बट सोशल मीडिया एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक ही पहुंच पाती है. सो दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम चेक योर प्रोग्रेस वन इज लिस्ट सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया का कुछ मेन फंक्शंस हमें बताना है. Following are the functions of mass media. Surveillance of the environment. It is the function of the media to spread awareness and knowledge of what is happening around us. Media ka function hai ye. Hamare aaspaas kya ho raha hai, uska awareness batana aur logon tak pahunchana. Aaspaas kya ho raha hai, hame wo knowledge kaise pahunchegi, to through media. It shares information on issues that the world, country, region might be facing. And इस फंक्शन में ये भी इंक्लूड होता है अवेयरनेस के साथ साथ कि आसपास के कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में, पूरे हर एक रीजन में क्या हो रहा है वो पता चल जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है थ्रू द मीडिया. इट प्रोवाइड्स डिफरेंट साइड्स ऑफ स्टोरीज
to eventually help reduce the confusion that people might be going through. So, choti choti points ko alag alag tarike se analyze karke batana. इसके वजह से लोगों की हेल्प होती है, जिनको कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाती है. अगर आपके फ़ोन पर एक आर्टिकल आता है और आप उसे शॉर्ट में पढ़ते हो तो आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, बट वही सेम न्यूज़ अगर टीवी पर फ्लैश हो रही हो तो वो लोग काफ़ी क्लियरली एक एक पॉइंट को समझा देते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स देते हैं, सो हर चीज़ क्लियर हो जाती है, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है. Furthermore, announcements and information in the interest of the general public are raised through the means of media. Announcement or information, जो general public के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या उनके interest के लिए है, ये सब चीज़ें media के through possible है. Example, when a natural disaster is about to strike, news, channels, radio, internet, they all broadcast why it might happen and how people can take precautions. कि जो सर्वेलियंस ऑफ द एनवायरनमेंट, इस आंसर का जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, सर्वेलियंस ऑफ द एनवायरनमेंट, उसकी एक एग्जांपल ये है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक करने वाली होती है तो ये जो न्यूज़ चैनल्स, रेडियो, इंटरनेट, इनके थ्रू हम तक वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो जाती है, हम तक पहुँच जाती है. एंड इससे फ़ायदा ये होता है कि हम एक बेटर जगह पर जा सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रिकॉशंस, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं. The correlation function. Second point is answer ki ye media ka function hai. The correlation function. Initially, that is before the presence of the internet and social media, media channels that existed were the only ones that selected what news or information was broadcasted and how journalists and experts interpreted the same. Shuruaat mein, jab internet and social media ka presence nahi tha, jab media channels exist karte the, तो उस टाइम पे सिर्फ मीडिया चैनल्स ही ऐसा जरिया, ऐसा सोर्स होता था जहाँ से लोग अपना न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर सकते थे. बट कोरिलेशन फंक्शन का मेन मतलब ये है कि मीडिया में जो भी चीज़ ब्रॉडकास्ट की जाती है उसमें पहले लोग ये देखते हैं, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि कौन से न्यूज़ की कितनी रीच होगी, कौन से न्यूज़ का कितना इंटरेस्ट है सोसाइटी में, ऑडियंस के बीच में कितना इंटरेस्ट है, और कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी एंड लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी. दिस फंक्शन ऑफ मीडिया शेड्स लाइट ऑन हाउ सर्टेन न्यूज़ इज सिलेक्टेड ओवर अदर्स टू बी ब्रॉडकास्टेड एंड हाउ दैट कैन इन्फ्लुएंस पीपल इन जनरल. ये जो फंक्शन है मीडिया का, ये कुछ न्यूज़ के ऊपर लाइट डालती है एंड बाकी न्यूज़ जो होते हैं ना उनको इग्नोर करती है. लाइक बहुत ही अनकॉमन न्यूज़ हो गया जो मतलब लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, जो लोगों के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उन चीज़ों को ये लोग इग्नोर कर देते हैं एंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको कवर करते हैं. एग्जाम्पल, हिटलर यूज मीडिया टू स्प्रेड हिज प्रोपेगेंडा इन वर्ल्ड वॉर सेकंड टू इन्फ्लुएंस द मास पब्लिक. कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटल नॉर्म्स. While the first two functions focus on how the information is shared and perceived, this function discusses how media plays a role in reiterating cultural and societal values. ये जो ऊपर की दोनों functions थे, surveillance of environment and the correlation function, वो दोनों information किस तरीके से share और perceive हो रही है उन पर focus कर रहे थे. But ये जो third point है ये discuss करती है कि media किस तरीके से cultural और societal values को रिइटरेट करती है, रिपीट करती है, लोगों तक पहुंचाती है. एज नॉर्म्स इवॉल्व सो डस मीडिया एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन. जैसे जैसे नॉर्म्स या सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं, जो लोगों का बिलीफ होता है वो इवॉल्व होता है, उसी तरीके से मीडिया चेंज होती है. मीडिया के थ्रू जो भी चीज़ पोर्ट्रे होती है वो सब चीज़ें चेंज होने लगती है एंड हर चीज़ उस नॉर्म्स से एम्फेसाइज होती है, इन्फ्लुएंस होती है, नॉट एम्फेसाइज, इन्फ्लुएंस होती है. एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस कार्टून प्रोग्राम्स यूजुअली शो मेन कैरेक्टर्स विद वैल्यूज दैट सोसाइटी कंसिडर्स एज गुड एंड वैल्यूएबल. एग्जाम्पल में चिल्ड्रन के जो कार्टून प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे वैल्यूज दिखाते हैं जो सोसाइटी कंसिडर करती है गुड और वैल्यूएबल. एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. दिस फंक्शन एंटेल्स is how media educates and entertains people by letting them be a part of something they normally could not experience or by providing other means of entertainment. ye jo function hai jaisa naam se clear ho raha hai, education and entertainment, ye dono function media fulfill karti hai, hame educate karti hai and hame entertain karti hai. example, people sitting in the comforts of their homes can watch a major life event
related to sports, entertainment, etc. So this was all about check your progress first. We have covered both the questions. Now comes the check your progress second. The first question here is, what are the different types of media? Media can be classified into three categories: print media, that includes newspapers and magazines; electronic media includes television, radio, and films; new age media includes mobile phones, computers, and the internet. But remember, agar ye question exam mein aati hai, to in sare points ko elaborate karna hoga. Print media ke andar include hote hain newspapers and magazines. Aap newspapers ko explain kar sakte hain ki wo kitne sheets ki hoti hai, black and white hoti hai, colorful hoti hai, pictures hote hain, articles hote hain. And magazines ko aap cover kar sakte ho ki wo ek book jaisi hoti hai and uske pages comparatively zyada smooth and bright hote hain. Electronic media mein har wo cheez aati hai jo electricity ke through run hoti hai. इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, यूटिलाइज होती है हर वो चीज़, जैसे टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स, इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है. और न्यू एज मीडिया जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म? टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या है? इट इज़ द बिलीफ दैट टेक्नोलॉजी इज द प्रिंसिपल इनिशिएटर ऑफ सोसाइटीज ट्रांसफॉर्मेशन. ये एक थ्योरी है जिसे प्रपोज किया गया था एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग बिलीव करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है दैट्स द मेन इनिशिएटर, लाइक कोई भी चीज़ को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना. ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मीडिया है, ये एक मेन शुरुआत है किसी भी सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की. सोसाइटी में जो भी चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है. Technology defines the nature and state of society. Technological determinism believes that advancements in technology are the moments that bring on each new phase in human history. Iske according, technology mein jo advancements aate hain, wo har ek new phase ke upar light dalti hai and har new phase ke saath evolve hoti jati hai. Jaise ek example le, to invention of wheel revolutionized human mobility, allowing humans to travel greater distances and carry greater loads with them. ये wheel का जो invention हुआ था, इसके वजह से लोग ज़्यादा दूर तक travel कर पाए and ज़्यादा greater loads भी carry कर पाए through the invention of wheels. जहाँ उन्हें पहले घसीट कर कोई चीज़ ले जानी पड़ती थी, अब वो easily wheels पे carry कर सकते थे. तो technology, invention, जहाँ invention आती है, तो invention technology के ही through होती है. तो ये भी एक एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का ही, भले ही बहुत ही ओल्ड एग्जाम्पल, बहुत एंशियंट है, बट स्टिल पार्ट है टेक्नोलॉजी का ही. सो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में यही बात थी कि जो भी चीज़ें सोसाइटी में होती है उसका, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है. टेक्नोलॉजी के थ्रू सोसाइटीज में चेंज देखने को मिलता है. नाउ कम्स चेक योर प्रोग्रेस थ्री. क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन कॉग्निशन. हमारे ब्रेन पे, हमारे थिंकिंग एबिलिटी पे मीडिया का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बताना है. पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, ग्रेटर सोशल मीडिया यूज सच एज स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड टेक्सटिंग इज एसोसिएटेड विद सम पॉजिटिव इफेक्ट्स इंक्लूडिंग इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, लेस फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड फ्यूअर स्लीप प्रॉब्लम्स. जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा हम उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये होते हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है. हाउ? अगर कोई फोटोग्राफी का बहुत शौकीन एंड उसे बहुत मन है कि सोशल मीडिया पे सब उसके फोटोग्राफ्स देखें एंड रिव्यू करें, तो वो बहुत जगह ट्रैवल करने की कोशिश करेगा एंड इससे क्या होगी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी. वो ट्रैवल करेगा, हर जगह में कुछ नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करेगा, कुछ बहुत अच्छा लैंडस्केप अगर दिख जाए, कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढेगा जो बहुत ही यूनिक लगे उसे. सो इससे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कम रहेगा, स्लीप प्रॉब्लम कम होगा. नेगेटिव, द सोशली कंस्ट्रक्टेड सोशल मीडिया वेयर एवरीवन पुट्स फोर्थ अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी इमेज ऑफ देयर्स फॉर अदर्स टू सी, इट लीड्स टू पुअर सेल्फ कंसेप्ट, negative body image and diminished self-esteem in some.
सोशल मीडिया का जो ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसमें लोग सिर्फ अपने हैप्पी इमेज को पोर्ट्रे करते हैं, सामने रखते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, भले ही उस हैप्पी इमेज के पीछे कोई और बात हो, चार फ्रेंड्स हैं वहां पे उस पिक्चर में, काफी खुश दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ, पार्टी कर रहे हैं, बट जो देख रहा है उसे लग रहा है कि कितने खुश हैं, काश मैं भी ऐसे मजे कर पाता, काश मैं भी घूम पाता, मैं भी पार्टी कर पाता, बट क्या पता उस पिक्चर के पीछे वो जो चारों फ्रेंड्स हैं उनकी आपस में बनती नहीं हो। वैसे फ्रेंड्स की तो आपस में बन जाती है, बट क्या पता सीक्रेटली सबके अंदर जेलिसी हो, क्या पता किसी के अंदर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही हो किसी को हार्म करने की। सो डबल फेस्ड तो हर जगह देखने को मिलते हैं। सो कहने का यही मतलब कि सोशल मीडिया पे लोग अपना हैप्पी साइड डिपिक्ट करते हैं, ये नहीं दिखाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर घर में प्रॉब्लम चल रही है बट कोई अच्छा फंक्शन हुआ तो लोग उस फंक्शन का अच्छा फोटो डाल देते हैं। इससे क्या होता है, दूसरे लोग उन पर एक पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, बट ये सारे लोगों के साथ नहीं होता है, कुछ कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट पुअर हो जाता है, बॉडी इमेज भी नेगेटिव हो जाती है। बहुत लोग होते हैं जो अपने फिगर का काफी शो ऑफ करते हैं, जो बॉयज हैं जो जिम वगैरह जाते हैं उनकी बॉडी अच्छी है तो वो अपने फिजिक का बहुत शो ऑफ करते हैं, तो इससे दूसरे लड़कों पर एक बॉडी नेगेटिव बॉडी इमेज का इम्पैक्ट होता है, डिमिनिश्ड सेल्फ एस्टीम, अपना एस्टीम लगता है कि वो कम हो गया, तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स है मीडिया का ऑन कॉग्निशन। एक्सप्लेन द टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। तो इस लास्ट चेक योर प्रोग्रेस की सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल का टू स्टेप फ्लो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है ये एक्सप्लेन करना है। इट सजेस्ट दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मास मीडिया टू देयर ऑडियंसेस इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। इस टू स्टेप में दो स्टेप इंक्लूड होते हैं, जैसा नाम में ही है टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये दो स्टेप में कम्युनिकेशन फ्लो होती है। पहला स्टेप फ्रॉम मीडिया टू सर्टेन इंडिविजुअल्स, एंड उस इंडिविजुअल को ओपिनियन लीडर भी कहा जाता है। मीडिया जो है वो बातें ओपिनियन लीडर्स तक पहुंचाती है, एंड वो ओपिनियन लीडर्स पब्लिक तक पहुंचाते। तो यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप है, मीडिया देन द मैसेज गेट्स ट्रांसमिटेड टू ओपिनियन लीडर्स देन टू द ऑडियंस। सो ये दो स्टेप में चीजें आगे बढ़ती हैं, फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, मीडिया देन ओपिनियन लीडर्स देन द ऑडियंस। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्री चेक योर प्रोग्रेस फ्रॉम यूनिट फर्स्ट। Now let's move on to review questions which are given at the end of each unit. The first question is, why do you think media is important and relevant? ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसे आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हो, जिसका आप आंसर खुद से भी फ्रेम कर सकते हो अगर अपने आप बहुत ऑब्जर्वेंट हो, हर चीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो। कुछ ऐसी चीजें होती है कॉमन लाइफ से रिलेटेड तो उसका आंसर हम खुद से बना सकते हैं, बट यहाँ मैंने एक नोट डाला है, एक प्रॉपर आंसर यहाँ पे मैंने बना दिया है जिसे पढ़कर आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से लिखना है। मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग एवरीवन अपडेटेड अबाउट द वेरियस इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। सो इसे मैं रीड करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। मीडिया जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हर एक इंसान को अपने आसपास हो रही इवेंट्स को अपडेटेड रखने के लिए। हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें कैसे पता चलता है, थ्रू मीडिया। गिव्स अस इमेंस नॉलेज एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन। मीडिया हमें इमेंस नॉलेज देती है और इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट करती है, आसपास क्या हो रहा है उसका नॉलेज, उसका अवेयरनेस। ऑन द अदर हैंड हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम जाकर गूगल करते हैं, तो मीडिया के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन परसीव करने का बहुत ही इजी तरीका मिल चुका है। इट रेजेस आवर कॉन्शियसनेस, मीडिया इग्नाइट्स अवेयरनेस इन अस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इट डज नॉट एनफोर्स इट्स ओन ओपिनियन ऑन अस बट प्रोवाइड्स फैक्ट्स फिगर्स न्यूज टू अस सो दैट वी कैन एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। आज के जनरेशन में जो भी टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो बहुत ही वन वे या कह सकते हैं बहुत ही फोकस्ड न्यूज़ देते हैं,
इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, डिबेट का मौका नहीं देते, वो बस ये कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो ही सही है, यहाँ पे आप डिबेट नहीं कर सकते। बट ये सब पॉइंट्स आंसर्स में इंक्लूड नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा नहीं लिखना है, पॉजिटिव लिखना है यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट रोल क्या, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना, तो इम्पॉर्टेंट तो ऐसे पॉजिटिव वर्ड है, सो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही इंक्लूड करनी है। तो ये कॉन्शियसनेस वाली चीज़ है कि मीडिया हमें अवेयर करती है आसपास क्या हो रहा है, एंड मीडिया हमें एक नॉलेज देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है, बट हमारे ऊपर कोई ओपिनियन नहीं डालता, सिर्फ फैक्ट्स फिगर्स एंड न्यूज़ दिया जाता है जिससे हम खुद एनालाइज करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। बट जैसा मैंने बताया, अभी के जो टीवी चैनल्स हैं, दो चैनल होंगे आपस में एंटी चैनल्स कह सकते हैं उनको, कोई एक होगा जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सिर्फ फॉर में बोल रहा होगा, दूसरा चैनल होगा जो सिर्फ उसके अगेंस्ट में बोल रहा। एनीवेज, थर्ड पॉइंट, रेजेस वॉइस अगेंस्ट सोशल इवल्स। मीडिया ऑल्सो प्लेज अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन सोसाइटी बाय रेजिंग सोशल इश्यूज। प्रेजेंटली देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सोशल इवल्स लाइक डाउरी, फीमेल फेटिसाइड, जनरल डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। ये जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस सोसाइटी में, ये पहले बहुत दबी दबी सी रहती थी। जितना ज़्यादा मीडिया इवॉल्व हुआ, जितने ज़्यादा लोगों के घर में टेलीविजन पहुँचा, उतने ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस हुआ कि ये चीज़ें बंद करनी करने की बहुत ज़रूरत है। एंड ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये चीज़ें ज़्यादा कहाँ पर हो रही, एंड ये जब मीडिया हम तक पहुँचाती है ये इश्यूज़, तो हम अवेयर हो जाते हैं एंड हम नेसेसरी स्टेप्स उठाते हैं उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ट्रू पिक्चर्स एंड लाइव टेलीकास्ट फॉर वेरियस इवेंट्स, जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईपीएल मैच, फीफा मैच, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एड्रेसिंग द नेशन, एरिया अफेक्टेड बाय फ्लडिंग, जस्ट एनी अदर इंसिडेंट। अभी हाल में ही रशिया वर्सेस यूक्रेन, जो वहाँ के वॉर सीन्स हैं, हम कितने आराम से अपने घर के कंफर्ट से देख सकते हैं। ट्रू पिक्चर्स एंड लाइव टेलीकास्ट्स। फिफ्थ पॉइंट, एजुकेट सोसाइटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ मीडिया इज टू एजुकेट सोसाइटी। वी कैन एक्सप्लोर एंड एनालाइज वेरियस प्रोडक्ट एंड रिव्यूज, सॉरी, वेरियस प्रोडक्ट रिव्यूज, डू अ प्राइस कंपैरिजन फॉर वेरियस आइटम्स, रीड न्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, फैशन, वॉर, वेदर, हेल्थ एंड मच मोर विद द हेल्प ऑफ मीडिया। इस तरीके से हमें एजुकेशन प्रोवाइड होती है थ्रू मीडिया। मीडिया के थ्रू हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो हम उसे रिव्यू कर सकते हैं, प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से फीचर्स कंपेयर कर सकते हैं, पॉलिटिक्स, फैशन, वॉर, वेदर, हेल्थ, इन सबसे रिलेटेड न्यूज भी पढ़ सकते हैं। और जो ये मीडिया है, इट एक्सपोजेस इश्यूज लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, सोशल बैकवर्डनेस एक्सेट्रा, एंड एजुकेट्स पीपल ऑन द सेम। इट ऑल्सो एजुकेट्स पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड हेल्प्स एनफोर्स द लॉ एज वेल। सो ये एक लॉन्ग आंसर थी, इसका कंक्लूजन ये है, टुडे मीडिया हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ एज वेल एज सोसाइटी। हेंसफोर्थ द रोल एंड इफेक्ट्स ऑफ मीडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इट इन्फॉर्म्स, एजुकेट्स एंड एंटरटेन्स पीपल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट हेल्प्स इन रिफॉर्मिंग, रीशेपिंग, एजुकेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग सोसाइटी। सो जैसा कि ये क्वेश्चन है जिसमें क्लियरली मैंशन किया है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं मीडिया के, कि मीडिया किस तरीके से हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसीलिए कंक्लूजन में भी सारे पॉइंट्स पॉजिटिव ही देने हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, इज सोशल मीडिया मेकिंग अस लेस सोशल, कमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हम हमारे लिए कि हम खुद इस पे अपने व्यूज डालें, हमारा इस पे रिव्यू क्या है, हमारा आइडिया क्या है, हम क्या समझते हैं इससे, क्या सोशल मीडिया हमें लेस सोशल बना रही है, इस पर कमेंट करना है। तो ये पॉजिटिव भी लिख सकते हो या नेगेटिव लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये बात सही है कि सोशल मीडिया ने हमें लेस सोशल बना दिया है, तो उसके पांच पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि सोशल मीडिया इज मेकिंग अस लेस सोशल व्हेन यूज्ड टू कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर लेवल्स ऑफ लोनलीनेस एंड लोअर लेवल्स ऑफ वेलबींग अमंग फ्रीक्वेंट यूजर्स। सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट्स टू सोशल आइसोलेशन, ग्रेटर यूज ऑफ इंटरनेट डिक्लाइंस। अब देखो, ये जो पहले दोनों पॉइंट्स हैं, इनका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है सामने।
सिंपल सा मीनिंग यही आ रहा है जो क्वेश्चन में लिखा है कि सोशल मीडिया हमें लेस सोशल बनाती है, लेकिन लैंग्वेज का यूज देखो इस तरीके से एलाबोरेट किया जाता है लैंग्वेज को, तो वो ऐसा भी नहीं लगता कि रिपीट हो रहा है, बट एक्चुअली में उसका आइडिया तो रिपीट होता है बट वर्ड्स रिपीट नहीं होते, इस तरीके से आंसर लंबी हो जाती है। ग्रेटर यूज ऑफ द इंटरनेट डिक्लाइंस पार्टिसिपेंट्स कम्युनिकेशन विद फैमिली मेंबर्स इन द हाउस होल्ड, डिक्लाइंस द साइज ऑफ देयर सोशल सर्कल, इंक्रीजेस देयर डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। लोग फादर्स डे मदर्स डे पे बहुत सारे पिक्चर्स डाल देते हैं, अच्छे अच्छे कोट्स डाल देते हैं, बट शायद उस बच्चे की या जो भी है वो टीनेजर एडोलेसेंट जो भी, हो सकता है बिहाइंड द सीन्स कुछ और हो, घर में वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता हो, बस थोड़ी बहुत बात होती हो, पूरा दिन वो सोशल मीडिया पर लगा रहता हो, ऐसा भी हो सकता है। सो इसके वजह से क्या होता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन रुक जाती है। और एक चीज तो काफी बीच में पॉपुलर हुआ था जो हम अभी भी हर जगह नोटिस करते हैं जहाँ जाते हैं, फैमिली फंक्शन में भी देखा जाता है कि एक लिविंग रूम में 5-6 लोग बैठे हैं, सारे रिलेटिव हैं एक दूसरे के, काफी क्लोज रिलेटिव्स हैं, सारे अपना फोन निकाल कर अपने फोन में लगे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, ये सब क्या है, ये सब लेस सोशल बनाती है हमें ये सब चीजें। द इंटरनेट कैन डिक्रीज सोशल वेलबींग इवन दो इट इज ऑफन यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल, इंटरनेट हमारे सोशल वेलबींग को भी डिक्रीज करती है, कभी कभी इसे हम कम्युनिकेशन टूल के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट के वजह से सोशल वेलबींग रिड्यूस हुई है, डिक्रीज हुई है। Results show that excessive and unhealthy internet use would increase feelings of loneliness over time. So results, ऐसा एक study हुआ था जिसके results ये show करते हैं कि बहुत ज़्यादा और unhealthy internet use हमें feelings of loneliness से भर देती है। हम social media पे ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे friends से, हम बहुत लोगों से connected हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोनलीनेस होता है, एक एंजाइटी वाली फीलिंग आती है। दिस स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट ऑनलाइन सोशल कॉन्टैक्ट्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली वेर नॉट एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव फॉर ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शंस इन रिड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। सो जैसा मैंने बताया कि फोन में, सोशल मीडिया में भले ही आपको लगेगा कि आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स आपकी बहुत लॉन्ग होंगे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स काफी ज्यादा होंगे, तो वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है लोनलीनेस कम करने का। जो चीज ऑफलाइन होती है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, जो आप फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर घूम लेते हो, वो चीजें सोशल मीडिया पे पॉसिबल नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन सेकंड, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। हाउ कैन द मीडिया इन्फ्लुएंस ह्यूमन कॉग्निशन एंड बिहेवियर, ह्यूमन कॉग्निशन एंड बिहेवियर, मेंटालिटी और फिजिकली किस तरीके से इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन पे, हमारे बॉडी पे, सोशल मीडिया या मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है ये बताना है। जो लोग, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये है कि जो लोग इंटरनेट पे रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वो इंटरनेट का यूज़ कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि जो लोग इंटरनेट से यूज टू हो जाते हैं, जिनको लत लग जाती है हर चीज के लिए गूगल करना, वो मेंटली लेजी हो जाते हैं, वो सोचने की कोशिश नहीं करते, अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते, अपने मेमोरी को स्ट्रेस नहीं करते, सीधा फोन निकाला, गूगल किया, आंसर सामने। सेकंड पॉइंट, सोशल कंपैरिजन, जिसमें सोशल मीडिया पे लोग अपना सक्सेसफुल और हैप्पी इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, एंड इस जिसको देखकर कुछ लोग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पुअर कर लेते हैं, बॉडी इमेज को नेगेटिव बनाते हैं, सेल्फ एस्टीम अपना कम कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, स्क्रीन मीडिया, स्क्रीन मीडिया बच्चों का, चिल्ड्रंस मीडिया, जिसमें वो वीडियो गेम्स खेलते हैं या कुछ यूट्यूब पे कोई कार्टून देख लिया, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उनका जो कुछ आता है कार्टून वगैरह वो सब देख लिया, तो डिपेंड करता है उस बच्चे पे कि वो क्या चूज करता है देखना। बहुत ऐसे के भी गेम्स आए थे, जैसे ब्लू व्हेल करके आया था एक बार 2-3 साल पहले, जिसमें कितने सारे किड्स का डेथ हो गया था, कुछ ऐसे खतरनाक स्टंट्स करवाते थे जिसके थ्रू, और ऐसा बहुत सारा गेम था, अभी भी होता है, जो बच्चे पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसमें बहुत अग्रेसिव सीन दिखाया जाए, वैसे कार्टून भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन अगर
अच्छी चीज चूज करके देखा जाए, अगर पेरेंट्स पूरा ध्यान दें कि जो बच्चा है वो अच्छे गेम्स खेले, लाइक मैथ्स पजल्स सॉल्व करे ये सब, एंड कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखे या फिर मोरालिटी वाले वीडियोस, तो पॉजिटिव साइड भी होगा। फोर्थ पॉइंट, जो लोग ज्यादा बहुत ज्यादा दूसरे के इमेज को ध्यान से देखते, एक एक पॉइंट देखते हैं, इससे उनमें एनवी, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर ऐसे फीलिंग्स आ जाते हैं। एंड इस टर्म को हम फेसबुक डिप्रेशन भी टर्म कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। ये जो फीलिंग आती है लोगों में, किसी का फोटो देख लिया तो जेलसी हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, कभी कभी तो लोगों को गुस्सा आता है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गए, होता है। कुछ लड़कियां मैंने देखा है होती हैं ऐसी, अगर कोई बहुत अच्छी फोटो उनके फ्रेंड के आ गई तो कमेंट तो करेंगे, वाह सो गॉर्जियस, लिट लिट ए एफ कुछ भी लिख देंगे, लेकिन सामने उनका फेस क्या होगा बिहाइंड द फोन, यार ये मेरे से अच्छी कैसे दिख गई यार, होता है ऐसा। द रिस्क ऑफ सुसाइड एंड सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर इन एडोलेसेंट्स इज लिंक्ड विद द टाइम दे स्पेंड ऑनलाइन। सुसाइड का रिस्क सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर एडोलेसेंट स्पेशली, हमारे एज के लोगों में ये ज्यादा है। हम जितना ज्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा एंक्शियस फील करेंगे एंड रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ जाएगी, सेल्फ हार्मिंग नेचर हमारा बढ़ जाएगा। द रेपिटेटिव कंटेंट ऑफ नेगेटिविटी एंड वायलेंस बिल्ड्स अ स्पेस ऑफ एग्रेशन इन आवर एटीट्यूड्स एंड वी स्टार्ट बिहेविंग एंटी सोशली। एक फेज होता है और ये फेज हर इंसान के लाइफ में होता है, जब वो इंसान हर एक इंसान से रूडली बात करता है, किसी के ओपिनियन को मानना नहीं चाहता, उसे लगता है कि वो जो कह रहा है वही सही है। हम अक्सर ऐसे लोगों से अलग हो जाते हैं एंड उनको टारगेट करते हैं, उनके बारे में बुरी चीजें कहते हैं कि वो रूडली बात की तो उससे हम बात नहीं करेंगे, उस वो हमारे ग्रुप में अब नहीं रहेगी, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा फेस, कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो इंसान को उस तरीके का बना देता है। दूसरी चीज, अगर ऐसा कंटेंट हम बार बार देखेंगे जिसमें नेगेटिविटी और वायलेंस भरी हुई हो, तो हमारे अंदर अग्रेशन आ जाती है एंड हम एंटी सोशली बिहेव करने लगते हैं। यहाँ एक टर्म है डिसेंसिटाइजेशन, इसका मतलब ये होता है अ पर्सन बिकम्स इनसेंसिटिव टू सर्टेन एक्ट्स एंड थिंग्स एंड परसीव्स देम ऑर्डिनरी विदाउट एनी थॉट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बच्चों में ये चीज ज्यादा होती है क्योंकि उस टाइम पे उनको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, जो वो देखेंगे उस तरीके से वो अपने मेंटालिटी को डेवलप करेंगे। तो अगर वो कुछ वायलेंस का देख लेते हैं और बहुत देख लेते हैं, हर हर एक वीडियो में कुछ वायलेंस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है एंड वो कुछ ज्यादा ही देख लेते हैं, तो अगर आसपास वो चीजें उनको दिखती है तो ऐसा लगता है वो बहुत नॉर्मल है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, जो वो देखते हैं वही वो सोच लेते हैं कि यही सही है। दे फील दैट इट इज जस्टिफिएबल टू एक्ट वायलेंटली एंड अग्रेसिवली विद अदर्स सिंस इट इज एन इंड्यूस्ड बिलीफ इन देयर माइंड दैट सच बिहेवियर इज पार्ट ऑफ रेगुलर कल्चर, उन्हें बहुत ऑर्डिनरी लगता है। सो क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन फोर्थ, हाउ हैज द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स चेंज लाइफ इन जनरल। इसमें आपके पास भर भर के पॉइंट्स होंगे, जैसा फिगरिंग आउट डायरेक्शंस। पहले लोगों को मैप कैरी करना होता था, एक्चुअल मैप जो कि बहुत लंबा भी हो सकता था, क्योंकि रोड ट्रिप के लिए अगर कोई मैप आप रखोगे तो या तो माइन्यूटली अगर देखना है रास्ता तो बहुत बड़ा मैप रखना पड़ेगा, अगर माइन्यूटली देखना है लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास बहुत छोटी मैप होगी जिसमें सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजन टाइप का होगा, जिसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि किधर से किधर जाना है, रास्ता नहीं क्लियर होगा उसमें, तो उसमें बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा एंड हो सकता है हम लोग रोड ट्रिप में भटक जाए। तो ऐसा पहले होता था, बट अब स्मार्टफोन के आने के बाद गूगल मैप्स या दूसरे जो एप्स होते हैं उसके थ्रू हम किसी भी प्लेस को बहुत ईजिली ट्रेस या लोकेट कर सकते हैं। टेकिंग फोटोज, मुझे आई डोंट थिंक मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हाँ ये बात है कि फीचर्स आप याद रख सकते हो उसको डिफाइन करने के लिए, जैसे टेकिंग फोटोज में पोर्ट्रेट फोटो, पैनोरामा, बियॉन्ड, जैसे एडिटिंग भी आप कर सकते हो, फिल्टर्स डाल सकते हो। तो फोटोज पता ही है कि स्मार्टफोन के आने के बाद फोटोज का ट्रेंड कितना ज्यादा हो गया। वर्किंग रिमोट, दैट मीन्स
Whenever a person is in his office and he has to leave urgently to catch a train or get to an event, so he'll have to leave the office and work towards the destination. So agar use train pakadna hai ya kisi event ko catch up karna hai to wo work ko early chhodna padega. To pehle jab smartphone nahi hua karta tha to us time par log काम वहीं छोड़ देते थे, या तो उनको परमिशन नहीं मिलती थी काम छोड़ने की, कहते थे कि कोई भी इवेंट है ऑफिस में रहना, काम कंप्लीट करके जाना है. बट स्मार्टफोन्स आने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद, अपना पेंडिंग वर्क हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. कुकिंग, द पॉइंट ऑफ कुकिंग, हमारे पेरेंट्स स्पेशली आर मदर्स यूजुअली कोई भी न्यू चीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि उनको फेसबुक पर या अलग वेबसाइट्स पे डिलीशियस रेसिपीज देखने को मिल जाती हैं. सो वो तुरंत वो लिंक टैप करती है, कुछ अच्छा मिला तुरंत बनाने लगती है. अगर आपको कुछ बनाना है तो आप तुरंत यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे कि किस तरीके से बनाई जाती है. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये हो सकता है, अभी जो मॉडर्न गर्ल्स हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, बट उनको ससुराल जाकर, आई थिंक सबको पता होगा ससुराल क्या होता है, वहाँ जाकर उन्हें खाना बनाना है, उन्हें आ नहीं रहा है. एंड पहले ज़माने में होता था कि अगर नहीं आया तो किचन में खड़ी है, सोच रही है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो बाहर से कोई उसको इशारा कर रहा है, हस्बैंड है इशारा कर रहा है ये करो ये करो, और उसकी जो सास है वो गुस्सा कर रही है कि ये कैसा कैसी बहू आ गई, इसको तो कुछ बनाने भी नहीं आता है. तो अभी वैसा नहीं है, अभी किचन में जाओ या फिर अगले दिन क्या बनाना है रात में ले जाओ फ़ोन देख लो और अगले दिन मस्त बना दो. तो ये कितना ईजी हो गया स्मार्टफोन आने के बाद. नेक्स्ट, बैंकिंग. बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है. जब स्मार्टफोन नहीं था और हमें कोई चेक डिपॉजिट करना होता था बैंक में तो हमें ट्रैवल करके जाना पड़ता था वहाँ तक, लेकिन अब हमारे फ़ोन में ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स हैं जिसके वजह से हम बहुत इजीली चेक्स को डिपॉजिट कर सकते हैं हमारे घर के कम्फर्ट से. सो ये लास्ट क्वेश्चन थे रिव्यू क्वेश्चंस की, ये लास्ट क्वेश्चन थी. सो मैंने आज यूनिट फर्स्ट का सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है इस सेशन में.